वेलकम टू माय चैनल। सो आज है अष्टमी नवरात्रि डे 8 और आज है हमारी सोसाइटी में ट्रेडिशनल डे और इसके लिए जोर शोरों से नीचे तैयारी हुई है। मतलब कि सारी लेडीज़ ने सोसाइटी में मिलकर रंगोली की है, बहुत अच्छी रंगोली की है। सोसाइटी की रौनक इतनी बढ़ गई है, इतनी सुंदर लग रही है आज सोसाइटी। सो आज मैं ज़्यादा भाषण नहीं देने वाली, चलो जल्दी से जाके सबसे पहले रंगोली देखते हैं। और हाँ, आज का व्लॉग बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि सभी लोग ट्रेडिशनल ड्रेस में आने वाले हैं। सो मैं एक एक को दिखाने वाली हूँ। सो आप देखना कि ट्रेंडिंग में आजकल क्या चल रहा है। सो चलो चलते हैं, ज़्यादा बोलना नहीं है मुझे और फटाफट मैं पहले रंगोली दिखाती हूँ और व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि पूरा व्लॉग बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, है ना। सो प्लीज़ कट कर करके मत देखना, पूरा व्लॉग देखना, ओके। और कमेंट भी करना, जो जो पर्सन आपको अच्छा लगे, जिन जिन की ड्रेस आपको अच्छी लगे, उन लोगों को लेकर आप कमेंट भी करना ताकि उन लोग भी मोटिवेट हो, राइट। सो चले गाइस, ये यहाँ पे ट्रेडिशनल लुक के लिए हो गए रेडी। मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है, वाह। इसको ज़बरदस्ती पहनाया आज मम्मी ने, है ना। क्यों, बड़े बड़े बच्चे होते रहते हैं ना तो धीरे धीरे माँ बाप की बात सुनना बंद कर देते हैं, है ना। बस उनको नहीं पहनना है, नहीं पहनना है। कितना प्यारा लग रहा है, देखो गाइस। आप कमेंट करना, इसको मोटिवेट करना। वेरी गुड, देखो कितना प्यारा लग रहा है। हाँ बेटा, फॉर्मल्स और जीन्स और वगैरह सब तो सब कैजुअल तो सब पहनते ही है। ट्रेडिशनल डे के दिन ट्रेडिशनल पहनना होता है ना। वाह नाइस। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, अरे ये बच्चा पागल हो गया है, देखो देखो। कल निखिल भैया ने भी क्या बोला था, हाँ क्या बोला था, बच्चों से लेकर बड़ों को सबको ट्रेडिशनल में आना है, है ना। और तुझे रेडी करने के लिए तो मम्मी खुद नहीं पहन रही आज ट्रेडिशनल। अरे वाह वाह वाह, देखो इसके एक्सप्रेशंस देखो, बड़ा होके मम्मी के जैसे एक्टर बनने वाला है ना। चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। ओके चलो चले नीचे फ्रेंड्स से मिलने। तेरे फ्रेंड्स कैसे दिख रहे हैं मुझे दिखाओ। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। सच्ची में बच्चों का ऐसा ही रहता है, उन लोगों जो मतलब उनके मूड के हिसाब से सब सारी चीज़ें पहननी होती है। कभी आज ऐसे तो हमेशा वो हर साल क्या करता है कि मम्मी मुझे ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी है, कभी आ रही है अष्टमी, कभी आ रही है अष्टमी। और आज उसके फ्रेंड्स सब कुर्ता पजामा पहन रहे तो उसको भी कुर्ता पजामा पहन रहे। मैंने बेटा आपने पहन लिया है ऑलरेडी, फर्स्ट डे को पहन लिया है, फिर से वही रिपीट करोगे। सो थोड़ी सी डांट पड़ी है उसको, फिर भी गया अभी वो हैप्पी होके नीचे। चलो अभी उसके साथ साथ हम भी चलते हैं। सो यहाँ पे मेरी फर्स्ट फ्रेंड रेडी होके आ चुकी है, ब्यूटीफुल लेडी। तो ये है हमारी सोसाइटी का सबसे शांत कपल, ये।
હું જજ કરીશ ત્રણ કેટેગરી ઉપર. પહેલી કેટેગરી હશે કોસ્ટ્યુમ, બીજી હશે સ્ટેમિના. તમે સ્ટાર્ટિંગથી છેલ્લા સુધી તમારે રમવાનું છે. વચ્ચે જે પણ નીકળી ગયો રાઉન્ડમાંથી એ ડિસ્ક્વોલિફાય થઈ જશે. અને ત્રીજું છે એમનું સ્ટાઇલ. ઓકે, જે સ્ટાઇલથી એ રમે છે એ યુનિક હશે તો જ એમને ગિફ્ટ આપવામાં આવશે. ત્રણ ગિફ્ટ રહેશે નાના બાળકો માટે અને ત્રણ રહેશે અડલ્ટ માટે. અને અડલ્ટ એ પણ મેલ ફિમેલ બંને થઈ શકીએ છે. ત્રણ મેલ પણ થઈ શકે છે, ત્રણ ફિમેલ, અને કોમ્બિનેશન ઓફ મેલ એન્ડ ફિમેલ ઓલ્સો. ઠીક છે, બાળકોમાં પણ એમ નથી કે ત્રણ છોકરીઓ અને ત્રણ છોકરા, એ પણ મિક્સમાં જ રહેશે. આઈ હોપ કે બધાને જ રૂલ્સ ખબર પડી ગઈ. યસ ઓર નો? સરસ્વતી કા સાથ ઓર ગણેશ જી કા નિવાસ ઓર દુર્ગા માં કે આશીર્વાદ સે ક્યા રિઝલ્ટ અનાઉન્સ હો જાય? હો જાય પક્કા? સો મે રિઝલ્ટ દેને કે લિયે બુલાના ચાહુંગી આગે મિસ્ટર નિખિલ ટેલર કો, તાકી વો જલ્દ સે જલ્દ આગે આ જાય. કે કોસ્ટ્યુમ સબસે અચ્છા કિસકા થા? ઠીક હૈ, તો કોસ્ટ્યુમ મે સબસે પહેલે બચ્ચા પાર્ટી. જો બચ્ચો મેં કોસ્ટ્યુમ સબસે જ્યાદા અચ્છા થા કિસકા થા? કિસી કો આઈડિયા હૈ? યસ, ઇટ ઇઝ સ્વરાલી. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. વાવ, સો નાઇસ.
कमाल सब लोग एक बार जोरदार बजाने की सलाह दी है। एवरीवन प्लीज अपने हाथ की जगह और तालियों में प्लीज कोई भी एनर्जी नहीं करेगा। किसको देना चाहिए? बच्चा पार्टी सेमिनार था सबसे अच्छा बच्चों में कृपांशी। सो लेट अस हैव कृपांशी हियर एंड पूरी प्लस एनर्जी के साथ वो ये बता गया कि अच्छे से अच्छा स्टैमिना किसका था एंड दैट इज नॉट अनदर देन मिसेस काजल इंबाचिया। Let us move to the bachcha party. In the bachcha party, we have style. Khushi ko sambhiya. सबसे लास्ट साइलेंट एंड एल्डर वो तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट था निकालना। सो दैट इज एनी गेसेस कौन हो सकता है? निखिल टेलर, निखिल टेलर, निखिल, निखिल, नो वे। वो अच्छे साइड में खेलता तो भी मैं नहीं देती उसे। तो
एक्जैक्टली सो आई होप कि कोई गेसेस नहीं दे पा रहा है सो लेट मी ओनली कम ऑन द कंक्लूजन एंड शी ही नहीं है वो शी है शी इज नन अदर देन मिसेस हेजल ठक्कर बिल्डिंग बस है सोल्जर ग्रुप पहुंची जाए आ गई है हमारी बिल्डिंग की मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी गरबा खेलने के लिए ये ऑल टाइम ब्यूटीफुल और खेलते भी इतना अच्छा है वाओ शी इज माय फेवरेट वाओ नाइस सुपर्ब है ना आंटी ब्यूटीफुल आप आंटी आप अभी इतने ब्यूटीफुल हो तो आप यंग होंगे तो कितने ब्यूटीफुल होंगे ओके थैंक यू गाइस ये था हमारा आज का वीडियो आज का ट्रेडिशनल डे हमारी सोसाइटी का होप आपको अच्छा लगा होगा था ना कॉम्पिटिशन एकदम टफ लेकिन हमारी जज जो आई थी वो इतनी अच्छी थी इतनी डिसेंट थी उसको सिलेक्शन करना बहुत अच्छे से आता था तो उसने एक एक को इतने अच्छे से प्राइस दिया जो जो काबिल थे उन्हीं को मिला इस बार कोई पार्शियलिटी नहीं हुई थी इस बार सो वो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी सो थैंक यू सो मच बाय एवरीवन सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग